चलो ठीक है, अब थोड़ा सा अच्छे वाले लेवल पे आते हैं, थोड़ा सा हम लोग वार्म अप हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। द क्वेश्चन इज दिस, यू हैव टू फाइंड आउट टॉप फाइव बैट्समैन इन टर्म्स ऑफ रन स्कोर्ड। 10 सीजन्स में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले पांच बैट्समैन का नाम चाहिए। समझ में आ रहा है? इस वाले डेटा सेट से निकलेगा? इससे तो नहीं निकलेगा, डिलीवरी से निकलेगा। एक बार डिलीवरी वाला डेटा सेट ओपन करो। डिलीवरी डॉट डॉट नहीं हा डॉट हेड, हेड में दो ही कर दो काफी है। एक बार इस डेटा सेट को एक बार अच्छे से देखो। कैन यू टेल मी कैसे हम पता कर सकते हैं कि टॉप पांच बैट्समैन कौन है? स्कोर का सम करना होगा। बैट्समैन ने रन कितने मारे कौन से कॉलम से पता चल रहा है? बैट्समैन रन्स। बट डोंट यू थिंक वहां पे हर एक रो इज वन बॉल प्लेड बाय द बैट्समैन। सो यहां पे अगर आप विराट कोहली का बात करो, देर मे बी लाइक 2,000-3,000 रोज अलोन फॉर विराट कोहली। सेम गोज फॉर अदर बैट्समैन। उन सबको अगर मैं विराट कोहली के सारे रोज को निकाल के एक जगह पे ले आऊं और उसके ऊपर अगर मैं सम कर दूं बैट्समैन रन का, तो मेरे को विराट कोहली का मिल जाएगा, राइट? यहां पे मेरे को बस इतना सजेस्ट करो अभी तक जितना आपने समझा उसके बेसिस पे, कि व्हाट विल बी द मेन थिंग जो आप यूज करोगे। वैल्यू काउंट तो यहां पे नहीं लग रहा, राइट? एक बार थोड़ा सा सोचो क्या लगाना चाहिए मुझे। मेरे पास हर रो इज वन बॉल प्लेड बाय अ स्पेसिफिक बैट्समैन। मेरे को हर बैट्समैन का, मेरे को क्या करना है, मेरे को हर बैट्समैन के रोज को अलग करना है, उस सारे रोज के बैट्समैन रन को जोड़ना है, और ऐसा मेरे को हर बैट्समैन के लिए करना है, और फिर मेरे को शॉर्टिंग करके टॉप पांच वाले को सबसे ऊपर लेके आना है। यही तो करना है ना, राइट? ग्रुप बाय नहीं कर सकते? अगर आप ग्रुप बाय लगाओ तो किस कॉलम पे लगाओगे तो सबसे ज्यादा फायदा होगा? बैट्समैन। तो आपका पूरा डेटा किसके बेसिस पे ग्रुप हो गया? बैट्समैन। सो बैट्समैन वन, लेट्स से विराट कोहली, उसके सारे रोज एक जगह पे चले गए। सेम गोज विद अदर बैट्समैन। अब उनके ऊपर मेरे को क्या करना है? रिमेम्बर हमने सम अप्लाई किया था थोड़ी देर पहले रेवेन्यूज के ऊपर, वो अप्लाई करेंगे, सारा मिल गया और उसको सॉर्ट कर देंगे। डोंट यू थिंक? स्क्रीन पे देखो, ये वाला थोड़ा नया है बट दिस विल एक्चुअली हेल्प यू gain a lot of perspective about data analysis. Screen pe dekho. What you do is, you write delivery, which was your data set. Iske upar aap lagaoge apna kaun sa function? Group by. Aur obviously, andar kya pass karte ho aap? Column jiske upar aapko group karna hai. Hamare case mein it will be batsman. जैसे मैं इसको रन करूंगा मेरे को क्या मिल जाएगा? एक ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट, ऐसा ही तो वहां पे भी मिला था, राइट? अब डोंट यू थिंक है तो ये क्या इंटरनली ये क्या है? लेट्स से अगर मैं आपको ये बोलूं ग्रुप बाय, इसको अगर हम कहीं पे स्टोर कर ले, लेट्स से रन्स बोल के, रन्स डॉट गेट ग्रुप, याद है? गेट ग्रुप से क्या होता था, वो पर्टिकुलर ग्रुप निकालते थे आप, राइट? अगर आप ये निकालो, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर बंदे का नाम क्या था, आई गेस दिस वर्क बी के कोहली वॉज इट, आई गेस सो, या स्पेस होगा शायद, वी के या वी या ओनली वी कोहली, वी कोहली स्पेस कोहली, या ये क्या आया अभी स्क्रीन पे, अभी जो आपको दिख रहा है ये क्या है? ये वो रोज है जिसमें बैट्समैन कौन है? विराट कोहली। सो अगर मेरे को इस पॉइंट पे ये पता करना है कि विराट कोहली ने पूरे आईपीएल में कितनी बॉल्स खेली हैं, तो मैं कैसे पता कर सकता हूं? इस पॉइंट पे मेरे को ये पता करना है कि विराट कोहली ने बॉल्स कितनी खेली है 10 साल में। इस डेटा फ्रेम का हर रो इज वन बॉल प्लेड बाय विराट कोहली। डोंट यू थिंक इस डेटा फ्रेम का अगर मैं शेप निकाल दूं तो नंबर ऑफ रोज क्या बता रहा है? द नंबर ऑफ बॉल्स प्लेड बाय विराट कोहली, राइट? सो आई जस्ट डू दिस जस्ट टू शो यू। सो अपेरेंटली विराट कोहली ने 10 सालों में कितनी बॉल्स खेली हैं? 3,9
3494 अराउंड 3500 बॉल्स, बट हमें तो ये नहीं चाहिए था. हमें क्या चाहिए था? नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय एवरी बैट्समैन, दैट टू इन सॉर्टेड ऑर्डर, सो दैट मैं टॉप पांच निकाल पाऊं. राइट, क्लियर है यहां तक? तो आप ये करो, रादर देन डूइंग दिस गेट ग्रुप एंड ऑल, डोंट यू थिंक आप अपने ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर एक पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर सम लगाते हो तो क्या होगा? ये हमने पहले भी किया है. मैंने क्या किया, मैंने अपने ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट में, ऑब्वियसली ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट में भी वही डेटा फ्रेम है, बस रोज कम हो गए ग्रुप्स के हिसाब से. मैं क्या कर रहा हूं, उसके बैट्समैन रन्स वाले कॉलम के ऊपर क्या लगा रहा हूं, सम. तो ग्रुप बाय क्या करेगा, हर ग्रुप को उठाएगा, उसके बैट्समैन रन्स वाले कॉलम में जाएगा और ऐड करके आपको एक नंबर देगा. और ऐसा वो हर ग्रुप के लिए करेगा. और रिटर्न क्या करेगा आपको, एक ऑब्जेक्ट विच विल बी दिस सीरीज. इट्स अ सीरीज जहां पे इंडेक्स क्या है, बैट्समैन का नाम, और वैल्यू क्या है, टोटल रन स्कोर्ड बाय दैट बैट्समैन पूरे 10 सालों में. आ गया सीरीज, बट ये सॉर्टेड है ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स. बट आपको सॉर्ट किस पे करना है, और वो भी कैसा सॉर्ट करना है. सो आप क्या लिखोगे, सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज और असेंडिंग वुड बी इक्वल टू फॉल्स. जैसे आपने किया उल्टा हो गया. अब आपके पास हर ग्रुप का नाम है जिसने सबसे ज्यादा रन्स बनाए. आ गया आपके पास टॉप बैट्समैन. अब मुझे टॉप पांच चाहिए तो क्या करूंगा, हेड कर दूंगा बस. और जैसे मैंने डॉट हेड किया, दिस इज माय आंसर. राइट, दिस इज माय आंसर. सो अपेरेंटली द टॉप फाइव स्कोरर्स आर रैना, कोहली, रोहित शर्मा, गौतम गंभीर एंड डेविड वॉर्नर. राइट, टॉप 10 के लिए कुछ नहीं करना है, हेड के अंदर 10. अब वो सिनेरियो इमेजिन करो गाइस, जब कमेंटेटर्स बात कर रहे हैं आपस में, इन लोगों ने तो बहुत रन बनाए आईपीएल में, बहुत रन बनाए, तुरंत एक डेटा आता है तुरंत सामने, कोई ना कोई तो निकालता है. आपके जैसे इंजीनियर्स होते हैं, आप कभी ESPN क्विक इन्फो पे जाते हो सिर्फ स्कोर चेक करने, नीचे करियर सेक्शन भी है, उस पर क्लिक करोगे वहां पर डेटा साइंस के पोस्ट खाली रहते हैं. मैंने जाके देखा, 4-4.5 लाख देते हैं वो लोग फ्रेशर्स को. ठीक है, आप वहां बैठोगे और आप, आपको कभी भी सुनाई भी देगा. इनफैक्ट अगर आप टेस्ट मैच देखो जहां पे ज्यादा एड्स नहीं आते ओवर्स के बीच में, आपको एक्चुअली सुनाई देगा, कैन यू फेच मी दैट डेटा. और वो डेटा फेच करके आपको देते हैं और वही आपके स्क्रीन पे आता है. इट्स अ प्रॉपर जॉब जो आप अभी कर रहे हो, कुछ भी डेटा निकाल के देना डेटा में से. राइट, कभी भी निकलता है, देखा होगा आपने क्रिकेट जो भी लोग फॉलो करते होंगे, वो बोर्ड्स पूरे टाइम आते रहते हैं, जैसे कोई माइलस्टोन आ रहा होता है डेटा निकाल के ले आए. समझ में आ रहा है? ओके, ग्रेट. क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्वेश्चन को बहुत थोड़ा चेंज कर रहे हैं, ध्यान से सुनो. आवर नेक्स्ट चैलेंज इज टू फाइंड आउट द बैट्समैन जिसने सबसे ज्यादा चौके मारे 10 सालों में. क्वेश्चन समझ में आ रहा है? आई हैव टू फाइंड द बैट्समैन, या इनफैक्ट टॉप पांच बैट्समैन जिसने सबसे ज्यादा चौके मारे आईपीएल में. कोई लॉजिक सजेस्ट कर सकता है? एनीवन? डेटा है, डेटा पे देखोगे तो आंसर आएगा, सामने देखोगे नहीं समझ में. अगर बैट्समैन रन इक्वल टू 4 है, हम बाकी सारे कॉलम्स हटा दें, सिर्फ वो कॉलम्स रखे जहां पे बैट्समैन रन 4 है, सबसे पहला तो यही हो गया. राइट, और उसके बाद क्या करोगे आप? द फर्स्ट थिंग वुड बी ऑब्वियसली विल कंसिडर ओनली दोज रोज, ओनली दोज बॉल्स जिन पे चौका मारा बैट्समैन ने. ये तो क्लियर है. फिर बैट्समैन के हिसाब से अब इसके बाद क्या करना है? बैट्समैन के हिसाब से उसके बाद अगेन यू विल ग्रुप बाय ऑन द बेसिस ऑफ बैट्समैन, एंड देन दिस टाइम इंस्टेड ऑफ समेशन यू विल काउंट द नंबर ऑफ रोज. डोंट यू थिंक? समझ में आ रहा है ना? निकाले सबसे ज्यादा बैट्समैन जिसने चौके मारे हैं. पर ये कैसे इंश्योर करोगे कि सिर्फ वही रोज लो जहां पे बैट्समैन 4 रन मारा है? कंडीशन, रिमेंबर कल हमने मास्क पढ़ा था, वो रोमांस वाला चीज, भयानक कांड हुआ था उसमें. व्हाट इफ हम एक मास्क क्रिएट करें जहां पे बैट्समैन रन्स इक्वल टू 4 है,
और फिर हम एक नया डेटा फ्रेम ही क्रिएट कर ले जिनमें सिर्फ वही रोज है जहां पर चौके लगे, बस करके देखे, ट्राई करके देखो. क्रिएट अ मास्क विच वुड बी इक्वल टू दिस डिलीवरी का बैट्समैन अंडरस्कोर रन्स वाला कॉलम इक्वल टू फोर. गाइस प्लीज कल वाली गलती मत करना मेरी वाली, राइट. इक्वल टू फोर आप चेक कर रहे हो और फिर आप ये करोगे न्यू अंडरस्कोर डिलीवरी इज इक्वल टू डिलीवरी का मास्क. कोई प्रॉब्लम? ये दो स्टेटमेंट देखो. मैंने पहले स्टेप में एक मास्क क्रिएट किया, एक कंडीशन क्रिएट किया कि भाई मेरे को सिर्फ वो रोज चाहिए जहां पर बैट्समैन का रन का वैल्यू है फोर. इससे एक सीरीज जनरेट हुआ, एक बाइनरी सीरीज ट्रू एंड फॉल्स वाला. उस सीरीज को उठा करके मैंने अपने डेटा फ्रेम के ऊपर पोर्ट कर दिया तो अब मेरे को वही रोज निकल के आए जहां पे उस सीरीज में ट्रू वैल्यू था, राइट. और उसको मैंने एक नए डेटा फ्रेम में स्टोर कर दिया. उस डेटा फ्रेम का नाम क्या रखा? न्यू अंडरस्कोर डिलीवरी. इसको रन करते हैं. रन हो गया. अगर मुझे इस पॉइंट पे कोई ये क्वेश्चन पूछे, बॉस मेरे को थोड़ा बताओगे आईपीएल में आज तक चौके कितने लगे हैं, तो बता पाओगे कैसे? सिंपल है, आप लिखोगे न्यू डिलीवरी डॉट शेप और उसका भी अगर आप जीरो निकाल दो आप सीधे बोलोगे आज तक आईपीएल में 17,033 चौके लगे. निकल रहा है ना डेटा? अगर कोई बोले छक्के कितने लगे तो क्या चेंज करना पड़ेगा? कुछ भी चेंज नहीं करना, बस फोर के बदले विल डू अ सिक्स एंटर. आज तक 6,500 छक्के लगे. इनफैक्ट अपना एनालिसिस चेंज कर रहे हैं हम लोग, ये पता करें सबसे ज्यादा छक्के किसने मारे. ऑल द आंसर पता है ऑब्वियसली, और कौन हो सकता है. 100 छक्के तो उसने अकेले डिंडा को मारे होंगे. डिंडा बिका इस पर, इधर ही तो खेलता है. इधर ही पास नहीं खेलता सच में. हाँ देखा ना, बैंड करके खेलता है. गाइस अब बताओ नेक्स्ट क्या करना है? सेम काम, राइट. आप क्या करोगे? आप यू विल राइट न्यू अंडरस्कोर डिलीवरी और उसका कौन सा कॉलम. इनफैक्ट उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? ग्रुप बाय ऑन द बेसिस ऑफ बैट्समैन, राइट. ग्रुप बाय ऑन द बेसिस ऑफ बैट्समैन और उसके बाद आप क्या करोगे? आप बैट्समैन अंडरस्कोर रन्स वाले कॉलम के ऊपर डायरेक्टली काउंट होगा कि नहीं होगा, आई एम नॉट श्योर. साइज करने से ही तो हो जाएगा. साइज नहीं, काउंट से हो जाएगा ये. एग्जैक्टली काउंट तो होता ही है, काउंट तो किया हमने, नॉट नल आएगा. दिस विल वर्क. क्या किया हमने? सेम काम किया, बस इस बार सम के बदले क्या किया? काउंट. जैसे इसको रन करेंगे, सो अपेरेंटली ए आशीष रेड्डी ने 15 छक्के मारे, एंड्रू फ्लिंटॉफ ने 2 और उससे 3 ज्यादा अमित मिश्रा ने. मैंने अलग लिखा. अगर मेरे को फिर से टॉप 5 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? सॉर्ट वैल्यूज असेंडिंग इक्वल्स फॉल्स. सर ग्रुप बाई करने के बाद अगर हम लोग बैट्समैन के हिसाब से साइज अगर कर देंगे तभी तो हो जाएगा ना. बैट्समैन के हिसाब से क्या कर देंगे? ग्रुप बाई बैट्समैन डॉट साइज. एक मिनट रुक. सो ये रहे आपके टॉप 5 बैट्समैन जिन लोगों ने सबसे ज्यादा छक्के मारे हैं आईपीएल में. बैट्समैन किया
हाँ बात सेम ही एक्चुअली ये ज़्यादा एक और चीज करा के बढ़िया क्या बात है ये देखो एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस सबसे ज्यादा 3 रन किसने मारे हैं आप गेस कर सकते हो सबसे ज्यादा 3 रन सबसे आप कोई पूछोगे तो आपको लगेगा विराट कोहली बट अपेरेंटली द आंसर इज दिस मुरली विजय उसको देख के लगेगा कि मैस हो जाता हूं बट वो सबसे ज्यादा 3 रन भागे कोई बता सकता है इसका रीजन क्योंकि रिसेंटली ही मूव टू मोहाली पंजाब के लिए खेला विच इज द लार्जेस्ट ग्राउंड इन इंडिया तो मारता है चौका जाता नहीं है तो 3 रन को लेना पड़ता है एंड दिस इज अ प्रॉपर एनालिसिस आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं डेटा दिखा के अगर आप बोलोगे मेरे को क्रिकेट आता है ये मैं आपको बता रहा हूं यहां तक पहुंचना इज वन थिंग यहां से कंक्लूजन पे पहुंचना इज अनदर थिंग आपके पास दोनों होना चाहिए इफ यू वॉन्ट टू बी अ मशीन लर्निंग इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट दैट इज वॉट आई एम सेइंग इसको हम बोलते हैं बिजनेस नॉलेज ये नॉलेज मेरे पास कहां से आया क्योंकि आई फॉलो क्रिकेट अगर ये क्वेश्चन बैंकिंग का होता तो मेरे को ये नॉलेज बैंकिंग में आना चाहिए था सो ट्रस्ट मी इट्स अबाउट टेक्नोलॉजी एनालिटिकल कैपेबिलिटीज एंड द थर्ड थिंग इज सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज वो आपको गेन करना पड़ेगा जिस भी डोमेन में आप जा रहे हो जो भी आपका है राइट इसीलिए मैं बोल रहा हूं अगर आप इंटर्नशिप्स कर रहे हो लेट्स से थर्ड ईयर सेकेंड ईयर में या फोर्थ ईयर में यू विल हैव टू मेक श्योर अगर आप मशीन लर्निंग में कर रहे हो तो एक ही डोमेन में करते जाओगे उस डोमेन की कंपनी आपको अक्वायर करे इसका मतलब चांस हायर है पॉइंट समझ में आ रहा है ओके एक लास्ट चीज करने जा रहे हैं हाँ आई हैव टू फाइंड आउट विराट कोहली ने सबसे ज्यादा रन्स किस टीम के अगेंस्ट मारे क्वेश्चन समझ में आया इनफैक्ट मेरे को यह बताओ कि विराट कोहली ने किन 3 टीम्स के अगेंस्ट सबसे ज्यादा रन मारे समझ में आ रहा है क्वेश्चन में डाउट है तो मेरे को पूछ सकते हो आई विल रिपीट आई हैव टू फाइंड आउट विराट कोहली ने किन 3 टीम्स के अगेंस्ट सबसे ज्यादा रन स्कोर किए 10 सालों में थोड़ा लॉजिक लगा सकते हो कैसे करोगे पहले मास्क अप्लाई करेंगे बैट्समैन इक्वल टू वी कोहली सबसे सिंपल तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा ऑब्वियसली आउट ऑफ दिस एंटायर 1.5 लाख रोज आपको सिर्फ वही रोज चाहिए जिसमें बैट्समैन कौन है विराट कोहली राइट उसके बाद आप क्या करोगे ग्रुप बाय टीम आप ग्रुप बाय करोगे ग्रुप बाय किसके बेसिस पे टीम के बेसिस पे और फिर आप क्या करोगे बैट्समैन रन के ऊपर सम करके देखें देखो क्या कर रहे हैं हम लिख रहे हैं डिलीवरी बैट्समैन इक्वल्स इक्वल्स वी स्पेस स्पेलिंग सेम लिखना कोहली इसको हम मास्क में डाल रहे हैं या नहीं भी डाल रहे चलेगा इस पूरी चीज को हम वापस डिलीवरी में डाल दे रहे हैं लाइक दिस और इसको लेट्स कॉल दिस वीके ये एक नया डेटा फ्रेम बन रहा है बाय द नेम ऑफ वीके रन करके देखो इसको नाउ वीके के ऊपर आप क्या लगा रहे हो वीके के ऊपर आप ग्रुप बाय लगा रहे हो और कॉलम कौन सा दे रहे हो टीम है बस नाम कॉलम का नाम टीम है ओनली अगेन टीम ऑन नहीं नहीं वो तो मैचेस में था और आप अगेन बैट्समैन अंडरस्कोर रन्स के ऊपर ही आप सम कर रहे हो बोलिंग अंडरस्कोर टीम सो आपका ये वाला कॉलम रहेगा बोलिंग अंडरस्कोर टीम और आपने बैट्समैन रन्स के ऊपर सम लगाया और शॉर्ट वैल्यूज भी कर दो शॉर्ट वैल्यूज के अंदर आप असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स कर दो और हेड कर दो 3 जैसे आप इसको रन करोगे चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट विराट कोहली ने सबसे ज्यादा रन मारे हैं 706 दिल्ली डेयर डेविल्स 661 किंग्स इलेवन पंजाब 483 अब कमेंटेटर ने पूछ दिया कैन यू टेल मी अभी चेन्नई के साथ मैच हो रहा है चेन्नई के अगेंस्ट कितने रन मारे विराट कोहली ने दिस इज इट ये रहा आपका एनालिसिस आपके सामने राइट बट डोंट यू थिंक ये बार बार नहीं लिखता होगा कोई बार बार कौन मैच के बीच में कोडिंग कर रहा होगा राइट फंक्शंस क्रिएटेड होंगे नहीं
एक काम करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं जिसमें अगर आप स्ट्रिंग के फॉर्मेट में एक बैट्समैन का नाम दो, वो आपको रिटर्न करेगा कि उसने सबसे ज्यादा रन कौन सी टीम के अगेंस्ट बनाए। ऐसा एक फंक्शन बनाए, कुछ नहीं, सेम लॉजिक को बस पोर्ट कर देना है फंक्शन में। देखो कैसे बनाओगे आप, यू विल राइट डेफ रन स्कोर्ड बोल के एक फंक्शन बना रहे हैं, इसको बस एक इनपुट चाहिए, बैट्समैन का नाम, बैट्समैन अंडरस्कोर नेम, और इसके अंदर आप क्या करोगे, ये पूरा कोड को कॉपी करोगे, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, ओहो नहीं पूरा करना पड़ेगा, यू विल हैव टू डू दिस एंटायर थिंग, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, डिलीवरी बैट्समैन, दिस विल बिकम द बैट्समैन नेम, और यू विल डू जस्ट वन, और उसका भी आपको क्या निकालना है, डॉट इंडेक्स का जीरो, और इसको अगर आप रिटर्न कर दो आई गेस दिस शुड वर्क, काम कर रहा है। सो अगर मैं रन स्कोर्ड के अंदर भेजूं विराट कोहली, दिस शुड रिटर्न मी विथ चेन्नई सुपर किंग्स, लेट्स सी, या बन गया फंक्शन। इसमें आप किसी भी बैट्समैन का नाम दो, वो आपको रिटर्न कर देगा उसने सबसे ज्यादा रन किसके अगेंस्ट बनाए। लेट्स से देयर वाज अ बैट्समैन कॉल्ड डेविड वार्नर, उसका नाम है आई गेस डी ए वार्नर, वार्नर सर्दी ज्यादा पड़ रही है, सॉरी। सो डेविड वार्नर ने सबसे ज्यादा रन किसके अगेंस्ट बनाए, कोलकाता नाइट राइडर्स। देर इज वन मोर गाय, गौतम गंभीर, जीजी गंभीर, इफ आई एम करेक्ट, जीजी हेड में थ्री दे दो, कुछ भी मत, ओके ओनली जी, नो किंग्स इलेवन पंजाब, एम एस धोनी, एक मिनट, धोनी इंडेंटेशन कर दिया, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, समझ में आ रहा है, इजी हो गया अब सारा काम। जस्ट एक फंक्शन बना हुआ है, उसको आपने पास किया बैट्समैन का नाम, वो आपको रिटर्न कर रहा है किस टीम के अगेंस्ट सबसे ज्यादा रन मारे। गाइस आज के डेट में क्रिकेट इज ऑल अबाउट डेटा, जिनको भी क्रिकेट फॉलो करते हो गए यू मस्ट हैव सीन कितना डेटा फॉलो होता है आजकल। सो ये सब बहुत चल रहा है, स्पोर्ट्स एनालिटिक्स इज अ अपकमिंग फील्ड ब्रांच जहां पे बहुत सारे इंजीनियर्स का जरूरत पड़ने वाला फ्यूचर में। इट मे बी रिलेटेड टू क्रिकेट फुटबॉल और एनी स्पोर्ट्स, बट स्पोर्ट्स एनालिटिक्स इज अ प्रॉपर फील्ड। सो इसको ऐसे ही मत समझो कि सर हम लोग आईपीएल में पढ़ लिए है, नो नो इट्स अ प्रॉपर थिंग, टेक इट सीरियसली इफ यू आर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स ऑब्वियसली, ठीक है। सो इतना ही कर रहे हैं आज, बाकी हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।